वेलकम टू माय YouTube चैनल स्टडी शुभे ट्रैवल टू। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 द एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट। तो ये हमारा सेकंड ऑर्गन है जो हमने डिस्कस करना है। इससे पहले जो है हम लेजिस्लेटिव कर चुके हैं, इट स्टार्टेड विद द एग्जीक्यूटिव। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि देखिए सरकार के जो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। फाइन, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू है, मतलब बहुत ही रॉ कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे कोई जो है हम ऐसे डिटेल नहीं देखने वाले हैं। सो इफ यू वांट मी टू सी द डिटेल, यहाँ पे आई बटन डाल दूंगी मैं, या से कुछ टाइम बाद आएगा तो वहां पर जाके क्लास 11 का ये टॉपिक है, यू कैन गो फॉर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड द लिंक, अगर अभी नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद आ जाएगा और वो होगा आपका इसके जो प्रॉपर ड्यू के जो नोट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, जो भी नियम कानून लेजिस्लेटिव बनाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम वो होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो देयर यूज्ड टू बी अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देयर यूज्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लाइक जिनको हम चुनते हैं, हमारे नेता एमपी एमएलए ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें हमारे आईएएस आईपीएस आईएफएस हम तो नहीं चुनते ना इनको, ये एक सर्टेन क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट करके फिर आते हैं यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने। भारत में जो है स्वच्छता आंदोलन चल रहा है, आयुष्मान भारत चल रहा है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, तो इनको घर घर पहुंचाने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम वो इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स का होता है। फाइन, और ये इलेक्टेड वाले जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें सारे के सारे एमपीज आते हैं। अभी हम जो है वो तीन लेवल पे हमारी एग्जीक्यूशन देखने वाले हैं। एक तो देखने वाले हैं सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि सेंट्रल लेवल की बात करें पीएम हुज आल्सो यूज्ड टू बी अ एग्जीक्यूटिव हेड हियर, तो पीएम होता है, उससे नीचे फिर हमारी मिनिस्ट्री आती है, फिर जो है डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट के नीचे विंग आता है, विंग के बाद जो है डिवीजन आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, एंड देन यूज्ड टू बी हैव अ सिलेक्शन। व्हेन वी से पीएम वी आर टॉकिंग अबाउट जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ठीक है, मिनिस्ट्री की जितने भी मिनिस्ट्री है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली एज पर एग्जाम में 58 मिनिस्ट्रीज आते हैं, तो वो सारे आ गए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। अगर स्टेट लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे जो है एग्जीक्यूशन हमारा एग्जीक्यूटिव ऐसा होता है कि सीएम होता है। सीएम की अगर बात करें तो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं स्टेट लेवल मिनिस्टर्स वो आ जाते हैं इसमें, मिनिस्ट्री जितने भी स्टेट में मिनिस्ट्री होती है वो आ जाती है, डिपार्टमेंट आता है, डिवीजन आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है तालुका आती है, उसके नीचे विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे तक होता है, दैट कैरीज थ्रू दिस मीडियम। अगर वर्ल्ड ओवर लेवल की बात करें और एकदम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पर, फिर जो है जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति आती है, फिर ग्राम पंचायत आती है, फिर ग्राम सभा आती है। ये क्या करती है, जितने भी नियम कानून है इनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो इन सारे एग्जीक्यूटिव का होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट विच आई प्रोवाइडेड यू, मेरे जो क्लास 11 का वीडियो है ना विच आई मेड हियर, तो इसमें तो मैंने अंदर सब कैटेगरीज नहीं लिखी है, उसमें वो भी मेंशन है, तो आप वो पक्का यूज कर सकते हो, इनफैक्ट अपनी एग्जैक्ट चेक कर सकते हो। आई नो दैट कोई इंडिया ऑनर्स का देना, स्टिल यू कैन यूज इट। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सीएम एंड पीएम, देखिए पीएम का काम है पूरे देश में एग्जीक्यूट करना, जितने भी नियम कानून है उनको अलग अलग पॉलिसीज लाना, एंड सीएम का काम जो है वो स्टेट में करने का होता है। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि एज होनी चाहिए 35। फाइन, 35 साल जो है कम से कम होनी चाहिए फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है पीआर सिस्टम के थ्रू होते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट्स नॉट लाइक कि भैया चार कैंडिडेट है ए बी सी डी, ये लोग जो है वो इलेक्ट हुए और इनमें से डी ने सबसे ज्यादा वोट पोल किए तो ये जीत गया, नहीं। ठीक है,
पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए पीएम सिलेक्ट किया जाता है, एबीसी है, ये एफपीटीपी सिस्टम के थ्रू आते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे नॉर्मल होते हैं। बी को सबसे ज्यादा वोट मिले ये जीत गया, ठीक है, इसकी जो है सरकार बन जाती है, पीएम गया। मान लीजिए किसी ऐसे कैंडिडेट को जिता दिया जाता है, वो पीएम तो बन गया लेकिन वो जो है पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो एमपी नहीं है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, देन दैट पर्सन इज सपोज टू बी इलेक्टेड एज एमपी विद इन 6 मंथ्स एज बिकमिंग पीएम। अदरवाइज वो नहीं कर पाता है तो वो पीएम भी नहीं बन पाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दीज आर द मिनिस्टर्स हु आर सपोज टू हेल्प प्राइम मिनिस्टर हियर, तो इनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है यहाँ पर। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, देखिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी वो है आईएएस आईपीएस आईएसएस, दे आर इन्वॉल्व इनटू डे टू डे टास्क। यूपीएससी को ये जिम्मा दिया गया है, दे आर सपोज टू रिक्रूट दी सिविल ऑफिसर्स जो है ऑल ओवर इंडिया होते हैं, एज वेल एज स्टेट्स की भी जो है, आपको पता होगा ना स्टेट भी अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल, जैसे कि यूपी का हम बोले तो यूपी में बोलते हैं इसको, हाँ यूपीएससी बोलते हैं, एमपी में मैंने सुना है पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु में टीएमपी, सॉरी पीएससी है ना, टीपीएसपी, ठीक है, लाइक तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक दिस। सो दे रिक्रूट सच काइंड ऑफ ऑफिसर्स बाय दिस which are involved into this executive wala procedure, jo daily to daily activities mein involve hote hain aur execute hote hain। That's it for today's video. मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये उतना high level का हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बहुत detail में पढ़ना होगा और इसके लिए तैयार रहिएगा। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे Instagram पे, that is studies of positive for, description में आपको PDF provide करा रही हूँ proper notes की, that you need to refer. Thank you so much for watching it. Let's meet you to our very next video. Until then, bye-bye for now.